हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन देख चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आया हूं। दोस्तों ये एप्लीकेशन एक लॉन्चर है, मोबाइल लॉन्चर। दोस्तों आज तक अपने बहुत सारे मोबाइल लॉन्चर तो यूज किए होंगे, बहुत सारे प्ले स्टोर पर आपको लॉन्चर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जो आपको लॉन्चर के बारे में आज बता रहा हूँ, दोस्तों ये सबसे हटके इसमें आपको फीचर मिलेगा, ऐसा लॉन्चर शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कमाल का फीचर मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों कौन सा फीचर आपको मिलने वाला है। तो सिंपली दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आगे भी मेरे चैनल पर ऐसी ही ढेरों सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल का आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी दबा लीजिए। दोस्तों उससे आपको फायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा उसी समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो को, और मेरी वीडियो दोस्तों आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि कौन सा लॉन्चर है, इसमें आपको क्या फीचर मिलने वाला है। तो सिंपली दोस्तों इसको प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड करना है, तो चलिए आपको प्ले स्टोर में लेकर चलते हैं और आपको दिखाता है दोस्तों कि कौन सा एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है यू लॉन्चर। तो सिंपली इसको नाम आप देख सकते हैं, इसका लोगो देख सकते हैं और इसकी डाउनलोडिंग देख सकते हैं, 1 मिलियन डाउनलोडिंग है, 4.7 की रेटिंग है। तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं किस टाइप का है ये एप्लीकेशन दोस्तों काम करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है, ओपन करने के बाद कैसे सेटअप करना है दोस्तों, और इसमें कौन सी इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिल जाएगा चलिए दिखाता है। जैसे सेटअप करने की मतलब वो करेंगे, ओपन करेंगे तो सिंपली यहाँ से आप चूज करने का बोलेगा कि मतलब कौन सा लॉन्चर मतलब लगाना चाहते हैं अपने फ़ोन पे। तो पहले से अगर कोई लॉन्चर होगा तो यहाँ पे शो कर देगा तीनों का तीनों लॉन्चर, मेरे में दो पहले से लॉन्चर है। तो सिंपली मैं यहाँ से यू लॉन्चर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर हमेशा अपने फ़ोन पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ऑलवेज पर क्लिक कर दीजिए, या फिर चेक करना चाहते हैं तो जस्ट ऑन पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर हमेशा इसको यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही एप्लीकेशन दोस्तों अच्छा लग रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ऑलवेज पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ऑलवेज पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है कि अपने आपके फ़ोन के स्क्रीन पर हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग आपको फीचर मिल जाएगा जो आज तक आपने कभी भी कोई लॉन्चर में ऐसा फीचर नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि कौन सा कमाल का फीचर आपको मिलेगा, पहले दिखा दें उसके बाद इसका फीचर और इसका सेटअप आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर कोई एप्लीकेशन को छिपाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन जो है कि सीक्रेट होती है जिसको हम किसी के सामने शो नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते, तो सिंपली उसको बहुत ही आसानी से हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन को इजीली कैसे हाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये फीचर मुझे बहुत ही कमाल का इसमें लगा, क्योंकि ऐसा फीचर मैंने आज तक किसी भी एप्लीकेशन किसी भी लॉन्चर में नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि जो इसमें हाइड करने का जो तरीका है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। कोई भी कभी भी नहीं जान पाएगा कि कोई किसी भी एप्लीकेशन को आप हाइड करके रखे हैं। तो हाइड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने फ़ोन के स्क्रीन पर अपने उंगली से स्वाइप करना है इस तरीका का, और दोस्तों उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने से होगा। यहाँ पे दो बार आपको कोई पासवर्ड चूज कर लीजिए जो हमेशा आपको याद रहे, उसके बाद यहाँ पे दो बार वो पासवर्ड डालिए। तो मैं यहाँ पे दो बार पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 40, और उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर में आपको एड प्राइवेट ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है, आपके फ़ोन की जितनी भी एप्लीकेशन है, सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाएंगी। और जो भी आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, मतलब चाहते हैं उसको छुपाएं, कोई जान ना पाए कि मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन है, तो सिंपली उस पर टिक कर दीजिए। तो चलिए मैं अपने व्हाट्सअप को यहाँ से हाइड कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल में दो दो व्हाट्सअप है, तो सिंपली मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो सिंपली इस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद जो भी आप हाइड करना चाहते हैं यहाँ से, आप फोटोज़ को हाइड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, MS कूलर को हाइड करना चाहते हैं, वीडियोज को हाइड करना चाहते हैं, सिंपली जो जो आपको हाइड करना है, आप दूसरे के सामने दिखाना नहीं चाहते दूसरे को, तो सिंपली उस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे में ओके का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है आपके इसके अंदर जो है हाइड हो जाएगी, उसके बाद किसी को नहीं दिखेगा। चलिए आपको बाहर चल के आपको दिखाते हैं कि कहीं आपको जो है कि व्हाट्सअप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कहीं भी व्हाट्सअप नहीं दिखेगा और ना ही MX प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन को इजीली हाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई भी नहीं जान पाएगा। और आपको देखने के लिए करना क्या पड़ेगा, या अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ऐसी दो उंगलियों से ऐसी स्वाइप करना है, उसके बाद जो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट किए यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर 40 यहाँ पे टाइप किया हो तो यहाँ पे 40 डालकर उसके बाद जो है कि आपका जो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको यूज कर लीजिए जो यूज करना चाहते हैं, और इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए और जिस चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं उस पर अनटिक कर दीजिए।
तो सिंपली उसको नीचे पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है कि जितनी भी इसमें ऐड होंगी सारा का सारा यहाँ पर दोस्तों दिखाना लग जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर इसमें लगता है कि इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से इसमें छिपा सकते हैं। उसके बाद आप उसको अगर आप फीचर की ओर ले चलते हैं, आपको बताते हैं दोस्तों जब डाउनलोड करेंगे दोस्तों इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा और इसमें यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी ये भी मुझे बहुत ही कमाल का लगा क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब ऑसम आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे अपने फ़ोन के स्क्रीन पर लगाने के लिए। तो सिंपली यहाँ से कैटेगरी है, यहाँ पे कैटेगरी किस कैटेगरी का आप वॉलपेपर चाहते हैं चूज कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारा वॉलपेपर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो मिल जाएगा और सिंपली दोस्तों यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया क्लीन का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोन को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर में आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके वजह से आप बहुत सारा थीम जो है कि अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम मिल जाएगा, तो इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन के स्क्रीन पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो फीचर आपको बताने वाले हैं, इसके बाद जो मेन्यू पे आएंगे यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है शो होंगी, उसके बाद यहाँ पे कोने में आपको तीन डॉट का ऑप्शन दिख जाएगा, तीन डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अभी इस टाइप का इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा, इस टाइप का आइकन आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन का। उसके बाद इस पर क्लिक करके और जब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए इसका जो मतलब इंटरफेस है इस टाइप का हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रही वो एप्लीकेशन, ये रही वो लॉन्चर। उम्मीद करते हैं ये लॉन्चर यो वीडियो आपको काफ़ी पसंद, और दोस्तों आगे भी आप मेरे चैनल पे इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा कर जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल का आइकन आएगा, घंटी का निशान दोस्तों, उसको भी दबाकर नोटिफिकेशन दोस्तों ऑन कर लीजिए। इससे दोस्तों आपको फायदा यह होगा कि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा उसी समय आपके पास उसका नोटिफिकेशन चल जाएगा दोस्तों, और बहुत ही आसानी से आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। जान लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।